हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन सौरभ जरा आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों हमारे मोबाइल फोन में कुछ भी नहीं रहता, फिर भी धीरे धीरे हमारे मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है फुल हो जाता है। जब हम प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाते हैं वो डाउनलोड नहीं होता क्योंकि स्टोरेज नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम जो है हम सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज ना कभी फुल ही नहीं होगा, कभी भलेगा ही नहीं। मतलब कि आप टेंशन फ्री अपने मोबाइल फोन को यूज करो, जो चाहे मन चाहे वो रखो, अपने मोबाइल फोन में स्टोरेज भरेगा ही नहीं। एक कमाल की सीक्रेट ट्रिक मुझे जो है पता चल गई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो 1000 लाइक ठोकना है यार, भूलना मत, 1000 ठोक दो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ना, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार लाइक कर दो, और उसके नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो ये ग्रे कलर में हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक घंटा भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपको इस पर जो है क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर दोगे ना तो सारा का सारा काम खत्म नहीं होता यार। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आओगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको एक कमेंट कर देना है। यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो नाइस, ऑसम, या फिर जो भी आप कमेंट करना चाहते हो, जो आपका दिल करता है यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे सभी के पास तो अलग अलग डिवाइस होगा, मुझे पता है। मेरे पास इस समय रेडमी नोट 5 प्रो का डिवाइस है, तो रेडमी यूजर्स के लिए तो काफी आसान होगा ये ट्रिक का इस्तेमाल करना, लेकिन बाकी कंपनी वाले फोन को जो है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। लेकिन टेंशन मत लो भाई लोग, आपको ना पता है क्या करना है, सिर्फ जो जो मैं बताऊंगा ना वही वही आपको सर्च कर लेना है अपने मोबाइल फोन में। सभी मोबाइल फोन में, मुझे पता है, मैंने खुद चेक किया, सभी मोबाइल फोन में जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो सारी चीजें दी हुई हैं। बस हाँ सेम जगह नहीं है, थोड़ा सा किसी फोल्डर के अंदर है, किसी मोबाइल फोन में सामने दिया गया है, किसी में अलग है, तो यही आपको जो है खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन का सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग जब आप ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब यहीं पे देख लीजिए, बहुत से मोबाइल फोन में सामने स्टोरेज दिया गया है, बहुत से मोबाइल फोन में सामने स्टोरेज नहीं दिया गया है। जहाँ दोस्तों अलग अलग जो है सेटिंग में अलग अलग जगह ये जो है स्टोरेज का सेटिंग मिल जाता है, तो आपको खोज लेना है कि आपके मोबाइल फोन में स्टोरेज का सेटिंग कहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इसे जो है ओपन कर लेना है। इसे जब आप ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आप देख लो, मेरे मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है वो है 64 GB का, और यहाँ पे सिर्फ 2 GB जो है खाली है, बाकी सब भर गया है। और पता नहीं क्या भर गया है यार, मेरे मोबाइल फोन में उतने एप्लीकेशन भी नहीं है, मैंने आपको दिखाई दिया स्टार्टिंग में, और कोई मूवी भी नहीं है, एक भी मूवी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या भर गया है, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ आपके सामने ही देख लेना कितना ज्यादा खाली हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ एप्लीकेशन है जो कि 7.8 GB के एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फोन में बता रहा है कि इतने एप्लीकेशन है और उनके डेटा है, और यहाँ पे नीचे पिक्चर और वीडियो 13 GB का यहाँ पे बता रहा है, जबकि मेरे मोबाइल फोन में हाँ सिर्फ फोटोज होंगे, वीडियो मेरे कुछ 2-4 वीडियो होंगे बस, उससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो है, यहाँ पे कैश डेटा, और यहाँ पे अदर फाइल्स। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है बताऊं, ये कहीं यहाँ पे आपके सामने सेटिंग दिख रही है वो है कैश डेटा। यहाँ पे आप देख लीजिए 20 GB का कैश डेटा, क्या है ये, सोचो यार सोचो, 20 GB में आपका कैश डेटा। यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ गए ना तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो कैश डेटा है ना, ये हमारे मोबाइल फोन की फालतू चीज है, मतलब बोल सकते हैं वेस्ट है, कचरा है, जो हमारे मोबाइल फोन में किसी काम की नहीं होती। जैसे कि हम कोई फोटो क्लिक करते हैं उसकी डुप्लीकेट कैश फाइल बन जाती है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की उसकी डुप्लीकेट कैश फाइल बन जाती है, हर एक चीज की कैश फाइल यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं, जो कि 20 GB की हो गई है मेरे मोबाइल फोन में। और इसे जो है हमें डिलीट कर देना है, डिलीट कर दूंगा तो 20 GB खाली हो जाएगा। सोचो यार 20 GB कम नहीं होते, ये आप सभी को पता है, आप सभी में हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, किसी में हो सकता है कम हो, तो ये जो है पहले सबसे पहले ये डिलीट कर देना है। इस पर क्लिक करो और इसे जो है डिलीट कर दो। इससे ना आपके मोबाइल फोन की इंपॉर्टेंट फोटो डिलीट होगी, ना ही आपके मोबाइल फोन की वीडियो, ना ही डॉक्यूमेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ फालतू की जो कचरा है ना वो डिलीट होगा, तो इसे बिंदास डिलीट कर देना, कोई टेंशन मत लेना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कैश डेटा जो है डिलीट हो चुकी है, और बची कितनी है सिर्फ और सिर्फ 70 MB की, और यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन की अवेलेबल स्टोरेज देख लीजिए 22 GB बढ़ गई, 20 GB मतलब मुझे ज्यादा मिल गया। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा सिर्फ और सिर्फ 2 GB थी और यहाँ पे 22 GB हो गई। देखा कुछ करना पड़ा ना, मोबाइल फोन की फोटो डिलीट की, ना वीडियो डिलीट की, ना एप्लीकेशन डिलीट की, फिर भी इतना ज्यादा स्टोरेज जो है बढ़ गया है। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन के फाइल मैनेजर में चले जाना है।
फाइल मैनेजर में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज डिलीट करनी है, उससे आपका यहाँ पे आप देख लीजिए ये एपीके है ना जी, हाँ दोस्तों इसे आपको जो है ओपन कर लेना है। इसे ओपन करोगे तो आपके मोबाइल फोन में यहाँ पे सारे के सारे एप्लीकेशन रहेंगे। अब आप टेंशन मत लीजिए कि ये सारे के सारे एप्लीकेशन आपके डिलीट हो जाएंगे, जहाँ दोस्तों इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मोबाइल फोन के फाइल मैनेजर की ये जो जितने एप्लीकेशन दिख रहे हैं ना, सभी को सेलेक्ट करो और बिंदास होकर डिलीट कर दो। यहाँ पे आप देख लीजिए मैं सारे के सारे एप्लीकेशन को डिलीट कर रहा हूँ, सभी के आपके सामने जो है डिलीट कर रहा हूँ। मेरे कोई भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे सारे के सारे एप्लीकेशन हैं, मैं सारे एप्लीकेशन को यूज कर सकता हूँ। मतलब कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मोबाइल फोन में फालतू की पड़ी रहती हैं, हम इसे डिलीट नहीं करते, हम सोचते हैं कि इससे हमारा एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगा। अब हमारा एपीके फाइल जो है इंकपटी हो गया है, पूरा खाली हो गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो इतना कुछ कर लोगे ना तो आपके मोबाइल फोन की स्टोरेज तो यार ऐसे ही खाली हो जाएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे मोबाइल फोन की स्टोरेज कितनी ज़्यादा पड़ गई है। यहाँ पे इसे स्टोरेज का ऑप्शन वापस से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 23 GB तक जो है हमारे मोबाइल फोन की स्टोरेज बढ़ गई है। अब अगर हम हर हफ्ते में अपना ये कैश डेटा डिलीट करें तो हमारे मोबाइल फोन की स्टोरेज कभी भरेगा ही नहीं, तो है ना कमाल की चीज। दोस्तों ये जरूर अपने मोबाइल फोन में आप करो, बिना कुछ डिलीट किए, बिना कोई इंपॉर्टेंट चीज डिलीट किए आपके मोबाइल फोन की स्टोरेज खाली हो जाएगी, फ्री हो जाएगी हमेशा के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो यार इस वीडियो को 1000 लाइक का टारगेट है यार ठोक दो। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप लोगों ने लास्ट टाइम बहुत ही ज्यादा लाइक जो है कर दिया है, तो इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफी ज्यादा लाइक देने वाले हो। और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना उस पर क्लिक करना मत भूलना, और उसके बाजू में एक घंटा भी आ जाता है उसको भी बजा दो। थैंक यू दोस्तों।